बस्ती पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुबौलिया क्षेत्र के धर्मपुर में पूर्व MLC डॉक्टर YD सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया। इसके साथ ही स्मृति ग्रंथ का भी लोकार्पण कर जनसभा को संबोधित किया। आदित्यनाथ ने कहा कि चिकित्सा क्षेत्र में डॉक्टर YD सिंह ने काफी बड़ी उपलब्धियां हासिल की है। वह अपने दायित्वों और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी पूर्वक निर्वहन किया, जिसकी वजह से आज उन्हें हम सब भली बात जानते हैं। कहा कि जब भारत का नागरिक ईमानदारी के साथ कार्य करेगा तो निश्चित ही राष्ट्र विकास की ओर बढ़ेगा। बस्ती अब विकास की नई गाथा लिख रहा है। जनपद में महाविद्यालय, मेडिकल कॉलेज, पॉलिटेक्निक और ITI कॉलेज बड़े पैमाने पर खुल रहे हैं, जिससे यहाँ के युवाओं को अपने नजदीकी क्षेत्रों में ही अच्छी व गुणवत्ता पूर्वक परक शिक्षा प्राप्त हो सके। मुंडेरवा चीनी मिल की क्षमता में वृद्धि कर दी गई है। इससे यहाँ की चीनी सिर्फ वह प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश और दुनिया में अपनी पहचान बनाएगी। इसी चीनी मिल से ही एथेनॉल का उत्पादन भी किया जा सकेगा। आने वाले समय में डीजल और पेट्रोल को लेकर निर्भरता खत्म हो जाएगी। चीनी मिल से फाइन शुगर भी निकलेगा। इसके अलावा भविष्य में बिजली उत्पादन की भी संभावनाएं बढ़ेंगी। बस्ती के लोगों को हवाई यात्राओं के लिए भी गोरखपुर और लखनऊ नहीं जाना पड़ेगा। कुछ ही दूरी पर राम की नगरी अयोध्या में हमें अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की सुविधा उपलब्ध होगी, जिससे हम वहां से देश विदेश की भी यात्राएं आसानी से कर सकेंगे। कहा कि महर्षि वशिष्ठ की धरती बस्ती को पंचकोसी, 14 कोसी और 84 कोसी के परिक्रमा मार्ग का को 2 लेन और 4 लेन में परिवर्तन किया जाएगा, ताकि लोगों की बाधाओं को दूर किया जा सके। कहा कि बस्ती वासियों को अब बाढ़ की विभीषिका से डरने की जरूरत नहीं है। सरयू नदी की धारा को ड्रेजिंग करके दूसरी तरफ रास्ता देने का कार्य किया गया है, उनकी स्मृतियों से जुड़ी हुई है। सरयू नदी हमें नदी संरक्षण पर भी काम करना है, लेकिन ख्याल रखना है कि नदी को जनधन की भी हानि न पहुंचे। इस कार्यक्रम को लेकर सरकार प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। इंडिया पावर न्यूज के लिए बस्ती से जयप्रकाश यादव की रिपोर्ट। जीवन को बचाने के लिए अपने स्तर पर जो प्रयास उन्होंने उस समय किए, आज तो चिकित्सालयों के लिए, मेडिकल कॉलेजेस के लिए हम शासन प्रशासन से पैसा देते हैं। एक समय था जब गोरखपुर के जो राजकीय मेडिकल कॉलेज है, बियाड़ी मेडिकल कॉलेज या किसी भी अन्य मेडिकल कॉलेज के लिए पैसा नहीं आ पाता था। और इस सभा मंडल की शोभा, इस जनपद को धन्य धन्य करने वाले परम पूज्य महाराज जी आज इस एनी अकेडमी के प्रांगण में आए हैं। हम उनका हृदय से अभिनंदन स्वागत करते हैं, उनके श्री चरणों में नतमस्तक हैं। जोरदार तालियां आपकी आनी चाहिए मंच पर। किसी भी चिकित्सक को दिखा लीजिए, नहीं साहब आप एक बार बोल देते डॉक्टर YD सिंह ने देख लेते तो अच्छा रहता है। और हम लोग बोलते थे कि साहब भाई, ये व्यक्ति कुशीनगर से आया है, बलिया से आया है, देवरिया से आया है, नेपाल से आया है, इसके पास कुछ भी नहीं है। वॉचिंग दिस वीडियो, टेलीविजन दुनिया की छोटी बड़ी न्यूज के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो कमेंट, लाइक जरूर करना। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में।